नीचे से पानी आता है और यहाँ फेंक देते हैं, देखो ऊपर आता है, मतलब नीचे नीचे आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए बस नीचे से पानी आ रहा है जमीन के नीचे से और ये रिवर की तरह बन के जाएगा। और ये हीरो हाई करता हुआ हीरो और ये हीरोइन हाई करती हुई। छुआ कुछ नहीं होता, नहीं नहीं जाओ हल्का सा नीचे जैसे मैं गया था। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फ्रेशन अप होती हूँ फिर आप लोगों से बात बात करती हूँ, सो आई एम रेडी। तो अभी यहाँ पे फिलहाल तैयारी वगैरह हो रही है जाने की, कहाँ जाने की तो वो तो आप लोगों को जब मैं लोकेशन पहुंचूंगी तभी पता चलेगा, बिकॉज मेरे को भी एक्चुअल उस फॉरेस्ट का नाम उतना प्रॉपर पता नहीं है। तो जब मैं वहाँ पहुंचूंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या है, किधर है, कैसा है सब कुछ। तो आज है डे टू, सो यहाँ देखो अभी भी मौसम वैसा ही हो रखा है, लाइक अपने शिकागो से तो यहाँ थोड़ा ठीक ही है बट वहाँ पे बहुत बहुत गर्मी थी, लाइक बहुत गर्मी। आप लोगों को शायद वीडियो देख के समझ में आ ही गया होगा, इतना ज़्यादा धूप वगैरह हो रखा था, बट ठीक है। यहाँ पे चलो यहाँ का आपको बालकनी का व्यू दिखाती हूँ उधर से कैसा है। ये देखो ये ऑफिस एरिया आई गेस, इधर पार्किंग। तो एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का घर है, तो हम लोगों का यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड का प्लान हुआ तो हमने सोचा कि चलो उन्हीं के घर का हम लोग प्लान करते होते हैं। बिकॉज अभी कोरोना हो रखा है तो कहीं बाहर का तो प्लान हम लोग कर नहीं सकते, लाइक वेगस वगैरह या फिर और भी फ्लोरिडा वगैरह कहीं का भी इनफैक्ट नहीं कर सकते। तो सोचा कि चलो फ्रेंड के घर ही हो लेते हैं और वहाँ के आजू बाजू के जो भी लोकेशन है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। बिकॉज क्या है ना कि 4 दिन की छुट्टी हो रखी है, ये 4th of July को इंडिपेंडेंस डे होता है यहाँ पे USA में, तो उसी के चक्कर में यहाँ पे चार दिन की छुट्टी हो रखी है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे प्लान करते हैं कि चलो इसी बहाने थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह भी हो जाएगा। बिकॉज अब क्या है ना कि अब कोविड है या जो है बट लाइफ जीना तो इंसान नहीं छोड़ सकता ना, लाइक प्रॉपर घर पे ऐसे रहना, क्योंकि 2-2.5 महीने हम लोग पूरा लॉकडाउन में थे, लाइक कहीं बाहर जाना नहीं, सिर्फ घर के अंदर रहो, घर अपार्टमेंट में जो भी है अपना उधर ही रहो, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल बाहर आउटिंग हमारी नहीं। बट इंसान है यार, थोड़ा बहुत हो जाता है, डिप्रेशन नहीं कह सकते बट एक फ्रस्ट्रेशन सा, थोड़ा सा पता नहीं कैसी वो फीलिंग होती है, बट अच्छी जो भी है अच्छी फीलिंग नहीं थी। तो चलो एक फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए भी कहीं ना कहीं सही है, और हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं तो इसलिए भी सोचा कि उससे बेटर और क्या जगह हो सकती है, किसी बहाने गेट टुगेदर भी हो जाएगा और नया लोकेशन भी, एक नई जगह भी हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। सो बाय द वे पिछली वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन सी जगह पे है हम लोग, तो हम लोग हैं यहाँ सेंट लुइस करके एक जगह है, वहाँ है हम लोग। और ये जो है ये शिकागो से अराउंड 5 आवर्स के ड्यूरेशन पे है, तो हमें लगभग 5-5.5 घंटे लग गए थे। बिकॉज क्या हुआ था कि हम लोग ने 10 बजे से स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद यहाँ पहुँचते 7:30-8 हो गया था और बीच में हमने एक जगह पे हॉल्ट लिया था, लाइक वहाँ पे भी घूमने की जगह है, वो भी आपने लास्ट वीडियो में मेरे देखा होगा, तो वही सब था अपना। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे अब जाने की तैयारी शुरू हो रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:45। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या सब अंदर चल रहा है, मैं अभी बालकनी में, देखो बालकनी में आई हुई हूँ। तैयारी शुरू होती हुई, देखो बस हाय करने का मौका चाहिए, हाय कुछ हाय के अलावा कुछ अलग बोलो, बाय वो तो वीडियो के एंड में बोलोगे। अब वेनु अभी शेफ बना हुआ है क्या? शेफ बने हुए हो? नहीं,
तो क्या वैसे शेफ की तरह खा रहे हो? एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, उसे ही ड्राइव कर रही है, वो डेजिग्नेटेड ड्राइवर है। सही है। यहाँ और हमारी सवारी चली, चलो चले हम, चलो चले हम, कहाँ जा रहे बता दो, कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? She is the one who knows. I don't know where we are going. I just know that we are going to some forest. That's it. Yeah. Not the name. Not the name. चलो चले चलो चलो ये लो अपने ग्लासेस पकड़ो। और ये हीरो हाय करता हुआ हीरो, और ये हीरोइन हाय करती हुई। कैसे कैसे बैठ रहे हो? पीछे दो सीट, दो इधर दो आगे। इसे पुल करो। अभी तुम, अभी क्या तुम ड्राइव कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, कोई भी कर लो, मैं कर लेता हूँ। चलो ठीक है अंकल, फिर तुम देखो। मैं चलो 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 चले। ये बॉटल, ये वाला बॉटल वो रख लो ना, ये भी रख लो। यू गाइस वांट फुल फैन? ये बंद कैसे होता है? हाँ, वो रुको रुको रुको, नहीं नहीं बटन है क्या वहाँ पे? लेफ्ट में एक बटन रहेगा। ये वाला है क्या? ये चाबी किधर गई? इसको आपको दिया था मैंने, किसको दिया? राहुल को दिया था। और ये शुरुआत इधर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जंगलों के बीच में दो लोग। ये देखो मेरे पीछे का, ओ वो भी आ रहे हैं। दे आर आल्सो कमिंग। वेट, माइक भी लेना पड़ेगा, माइक दूर हो जाएगा ना? नहीं दूर, अगर स्टैंड रखो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। माइक मैं नहीं डरती। ये देखो सब जंगल जंगल में कहां कहां को घुस रहे, किधर किधर को जा रहे। लुक एट दिस, लुक एट द व्यू गाइस।
और आपको मैं कुछ दिखाऊं, रुको अभी दिखाती हूँ। टडा 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 पे ये स्प्रिंग आती है कौन सी किसके वजह से, ऐसा पानी आता है और यहाँ फेंक देते हैं, देखो ऊपर आता है मतलब नीचे नीचे आ रहा है ये, और ये जो पानी हम देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। हाँ ऊपर की तरफ, जैसे समझ लो नीचे से कैनाल है, सेडिमेंटरी रॉक काइच नहीं है, इथे थे नहीं आए थे जो सुबह, मुझे नहीं लगता है ना। पानी का कलर देखो पूरा बिल्कुल ग्रीन, मतलब सी ग्रीन कलर का है, देखो छोटा सा वो फॉल टाइप है, वो देख रहे हो अगर इतना लंबा ड्राइव करो और ऐसा व्यू अगर देखने को मिले तो वर्थ लगता है, नहीं तुम भी बोल दो तुम अच्छा लगता है। एक नंबर एक नंबर, ये देखो कितना अच्छा खतरनाक व्यू है, कितना क्लियर वाटर ट्रांसफर। बच्चे खेलते हुए यही देख सकते हैं इवन का कोई ओपनिंग नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से देखिए बस नीचे से पानी आ रहा है जमीन के नीचे से और ये रिवर की तरह बन के जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब तुम बोलो पीछे से देखने में ये देखो कोई ओपनिंग नहीं है, मतलब नीचे से पानी आता है, जमीन के नीचे से, जमीन के नीचे का पानी ऊपर की तरफ ये कुछ भी रिवर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कोने कोने से, हमारे फीट के पास, फिर आप ये देखिए ये इस रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे बिग स्प्रिंग के नाम से यहाँ पे जाना होता है। देखिए पानी का बबल कैसा है, जस्ट नीचे से जमीन के नीचे से यहाँ पे और कितना क्लियर वाटर है क्योंकि ये जमीन के नीचे से आ रहा है, तो कोई भी किसी की तरीके की गंदगी कंटामिनेशन नहीं है। वो देखिए खतरा है छोटे से बच्चे चलो आपको कैसा लगा, बहुत अमेजिंग, ऐसे तो मेरे को पानी से थोड़ा डर लगता है बट ऐसे सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, थोड़े थोड़े मजे लेकर उसको देखो, थोड़े थोड़े बस मजे लेकर। ये देखिए बहुत एक्साइटेड है, कोविड करके मास्क लगा के ही रहती है, कभी नहीं हटाती है, मैं जाता हूँ यहाँ पे फोटो ले लो। पानी के नजदीक जाते हुए जाओ छुओ, छुओ कुछ नहीं होता,
पांक। नहीं नहीं जाओ हल्का सा नीचे जैसे मैं गया था। बहुत ही हिम्मत करते हुए अब जाते हुए बस अब फोटो लेता हूँ वीडियो। इसमें जाना गुफा में जाओ। एक लोकेशन कवर हो चुका, अब हम बढ़े अब हम चले दूसरे लोकेशन की तरफ। वो किधर है we'll see. किसको भी नहीं पता, किसी को इनफैक्ट नहीं पता, सब कोई अपना अपना अजम्पशन ही लगा रहे, सब कोई अपना अजम्पशन लगा रहे। लोकेशन सिलेक्ट होता ओके यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है, फोटोज देख लिया, गूगल कर लिया और फिर उसके बाद अपना करते चलो और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पॉट You people What tell is the next spot? Again her. Nobody knows. Rahul knows. जब पता चल जाएगा उसके बाद आपको फिर भी पता चल जाएगा। इनफैक्ट मुझे भी अभी नहीं पता है, आपको भी अभी नहीं पता होगा। ये देखो ये कौन आया, ये कौन आया। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो फिर आज के में नहीं, मैं दूसरे व्लॉग में शूट कर दूंगी, और अगर वीडियो छोटा रहा तो फिर इसी में ऐड हो जाएगा। और आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा प्रॉपर पूरा मुंह में जा रहे हैं, पूरा कोविड कोविड का असली इसने ही किया है प्रॉपर, मतलब डिस्टेंस खुद को ऐसे प्रोटेक्ट कर। ये पूरा देखो दोबारा व्यू देखो बैक कैमरा से।